ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, पिछले श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम समुद्र मंथन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त 12वें रत्न अर्थात शंख की। देव और दानव समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। अभी तक 11 रत्न प्राप्त हो चुके थे। पहला हलाहल विष, दूसरा 5 कामधेनु गाय, तीसरा उच्चैसवा नाम का घोड़ा, चौथा एरावत व अन्य 64 हाथी, पांचवा कौस्तुक मणि व अन्य रत्न, छठा कल्पवृक्ष, सातवा अप्सरा रंभा व अन्य अप्सराएं, आठवां अपने आठों स्वरूपों में देवी महालक्ष्मी, नवा वारुणी नाम की मदिरा, दसवां चंद्रमा, ग्यारहवां पारिजात नाम का वृक्ष, अब 12वें रत्न की प्रतीक्षा थी। इस बार तीव्र गर्जना के साथ शंख उत्पन्न हुआ। उसके साथ कई समुद्री निधियां थी। शंख बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है। अथर्ववेद के अनुसार शंखेन हत्वा रक्षांस अर्थात शंख से राक्षसों का नाश होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, यस्तु शंख ध्वनि पुर्यात पूजा काले विशेषता वियुक्त सर्व पापेन विष्णु नाम सह मोदते। अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है। शंख का महत्व वैज्ञानिक भी है। शंख ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें बाधक होती हैं, अतः प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें नितेज हों तभी शंख ध्वनि का विधान है। इसके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियां, पीलिया, काश, प्लीहा, यकृत, पथरी आदि रोग ठीक हो जाते हैं। संरचना के आधार पर शंख 3 प्रकार के माने जाते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख व वामावर्ती शंख। मध्यावर्ती शंख व दक्षिणावर्ती शंख आसानी से नहीं मिलते। कुछ दुर्लभ किस्म के शंख भी होते हैं, जैसे लक्ष्मी शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत